हेलो फ्रेंड्स, मैं अक्षय शर्मा स्वच्छ हर्बल में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने 3-4 दिन पहले एक मैजिक लिक्विड पीतांबरी का शॉट दिया था आपको, वीडियो छोटा सा, जिसको आप लोगों ने बहुत पसंद किया फ्रेंड्स, उम्मीद से ज़्यादा अच्छा रिस्पांस आया। और मैंने उस वीडियो में आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि मैं आपको इसका फॉर्मुलेशन दूंगा। काफ़ी लोगों के कमेंट्स भी आए, काफ़ी लोगों के फ़ोन भी आए इसके फॉर्मुलेशन के लिए। तो फ्रेंड ध्यान से सुनिए इसके फॉर्मुलेशन के बारे में। फ्रेंड्स सबसे पहले आपको मैं आपको फॉर्मूला दे रहा हूँ 1 kg का। 1 kg मटेरियल बनाने के लिए आपको क्या करना है, क्या क्या सामान, कितना लेना है, कैसे बनाना है, ध्यान से देखेंगे। इस सबसे पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरे ज़रूरतमंद लोगों के साथ शेयर करें। लाइक और सब्सक्राइब इसलिए करें जिससे कि, और बेल आइकॉन को प्रेस करें, नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें जब भी कोई नया वीडियो आए। क्योंकि अब फ्रेंड्स मैं आपको हर हफ्ते किसी न किसी प्रोडक्ट का फॉर्मुलेशन दूंगा। इस सीरीज़ का पहला फार्मूला, बहुत ही बढ़िया फार्मूला फ्रेंड्स। 1 kg मटेरियल के लिए आपको क्या करना है, अच्छी हैवी क्वालिटी बनाने के लिए 300 ग्राम SLES लेना है फ्रेंड्स। SLES मतलब सोडियम लॉरेल ईथर सल्फेट। कोशिश करेंगे सभी लोग गोदरेज ब्रांड का लें, क्वालिटी बहुत अच्छी बनती है इसमें। इसके बाद यहाँ पर हमें दूसरा इन्ग्रीडियंट चाहिए 60-80 ग्राम, जैसा हम क्वालिटी बनाना चाहते हैं, साइट्रिक एसिड। ये बिल्कुल नमक की तरह आता है, क्रिस्टल फॉर्म में आता है साइट्रिक एसिड, जैसे देसी भाषा में लोग टार्टरी भी कहते हैं। 60-80 ग्राम, मिनिमम 60 ग्राम चाहिए फ्रेंड्स। इसके बाद हमारा जो तीसरा इंग्रेडिएंट्स होगा, इसके अंदर हमें डालना है 2 ग्राम EDTA। ये हमारे हार्ड वाटर को सॉफ्ट करता है, कई कई जगह बहुत हार्ड वाटर होता है, इसके कारण ज़्यादा निशान जमते हैं, तो ये उसमें भी काम करेगा। अगर हम इसमें EDTA डालते हैं तो हमारा ये प्रोडक्ट पीताम्बरी की तरह पीतल के बर्तन, तांबे के बर्तन तो साफ़ करेगा ही करेगा, इवन हमारा जो चांदी होती है, हमारा टैप होते हैं, टैप्स पर भी असर करेगा। EDTA डालना है। इसके बाद हमें 10 ग्राम इसमें डालना है फ्रेंड्स CAPB, 10 ग्राम CDEA, CAPB जिसको हम लोग कोको बीटेन भी बोलते हैं, ठीक है ना, कोको डाई इथाइल अमीन CDA, 10 ग्राम ये हमें डालना होंगे। इसके बाद रिमेनिंग हमें क्या डालना है, हमारा हो गया टोटल 360 ग्राम फ्रेंड्स। इसके अंदर हमें डालना है 2 ग्राम जो भी परफ्यूम आपको पसंद हो, परफ्यूम, और थोड़ा सा एक चुटकी कलर, 0.1 ग्राम कलर, जो भी कलर में आप बनाना चाहते हैं। वैसे इसके लिए जो कलर आता है वो होता है सनसेट येलो कलर। अगर डालेंगे तो आपका पीताम्बरी जैसा कलर दिखेगा, अदरवाइज आप ग्रीन, येलो, रेड कोई भी कलर डाल सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। बनाते समय क्या करना है, हमें किस तरीके से बनाना है, तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, और रिमेनिंग हमारा जो हो गया वो आएगा हमारा वाटर, 620 ग्राम हम वाटर ले लेते हैं। कोशिश करें जो हम वाटर लेंगे या तो हम DM वाटर लें, अगर DM नहीं है तो हम RO वाटर लें, लेकिन बोरिंग का पानी बिल्कुल ना लें, नल का पानी। अगर अच्छा प्रोडक्ट आप बनाना चाहते हैं तो आप इस तरीके से बनाएं। टोटल हमारा ये 400 ग्राम के लगभग हो गया, 620 ग्राम ने पानी मिलाया, हमारा 1 kg मटेरियल बनके तैयार हो जाएगा दोस्तों। सबसे पहले हम क्या करेंगे, किसी बर्तन में 620 ग्राम जो पानी लेंगे, इस पानी के अंदर हम लोग साइट्रिक एसिड डाल देंगे। और हाँ फ्रेंड्स एक चीज़ बताना और भूल गया, 20 ग्राम हमको सॉल्ट भी डालना है थिकनिंग के लिए। इस 620 ग्राम पानी के अंदर साइट्रिक एसिड, सॉल्ट डाल के पहले अच्छे से मिक्स करेंगे, 2 ग्राम EDTA भी डाल देंगे, उसके बाद हम लोग CAPB CDA डाल के और SLES तीनों प्रोडक्ट एक साथ डाल सकते हैं, डाल के अच्छे से मिक्स करेंगे। और जिन लोगों को पास परफ्यूम अगर ऑयल बेस है तो एक चीज़ ध्यान रखें, या तो वाटर बेस परफ्यूम होना चाहिए। अगर आपके पास वाटर बेस परफ्यूम नहीं है तो पहले आप जो 300 ग्राम SLES ले रहे हैं, ऑयल बेस परफ्यूम यूज़ कर रहे हैं, तो पहले SLES के अंदर आप परफ्यूम डालेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे, देन SLES को इसके अंदर मिक्स करेंगे। यहाँ पे वैसे ऑर्डर से बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में, तो फ्रेंड्स आप चाहें तो ऐसा भी कर सकते हैं, पहले 300 ग्राम SLES लें, इसके अंदर परफ्यूम डाल के अच्छे से मिक्स कर दें, उसके बाद इसके अंदर पानी डालें और फिर रिमेनिंग करके 1 by 1 प्रोडक्ट डालें। बट फ्रेंड्स मिक्सिंग बहुत अच्छे से करें, जैसे अभी अभी मैंने ये बनाया था तो इस तरह का धुंधला हो रहा है, इसको कम से कम 6-8 घंटे रखना होता है सारी चीज़ें मिक्स करने के बाद, तो ये अपने आप ठीक हो जाता है। और किस तरह का हो जाता है 8 घंटे बाद वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये 8 घंटे बाद फ्रेंड्स, अभी मैंने इसमें कलर नहीं ऐड किया है जिससे मैं आपको ढंग से दिखा पाऊँ, इस तरीके से टोटल ट्रांसपेरेंट और ठीक हो जाता है। अब इसमें हम अपनी पसंद के अनुसार कोई भी कलर डाल सकते हैं, जैसे फ्रेग्रेंस डाल सकते हैं,
फ्रेंड्स मुझे रोज फ्रेग्रेंस पसंद थी तो मैंने यहाँ पे रोज की फ्रेग्रेंस डाली है, क्योंकि ज्यादातर जो तांबे के बर्तन होते हैं हमारे वो हम लोग भगवान की पूजा में यूज करते हैं और वहाँ पे हम लोग रोज का फूल बहुत चढ़ाते हैं। अब जिन लोगों को इसकी कॉस्टिंग कम करनी है वो चाहे तो यहाँ पे ऐसा लिए इसको 200 ग्राम, इसको 50 ग्राम भी कर सकते हैं, पर आपका प्रोडक्ट थोड़ा सा कमजोर हो जाएगा। बाकी चीज़ तो आपको उतनी ही डालना है। कॉस्टिंग कम करने के लिए आप लोग इस तरीके से कर सकते हैं। बट ये जो फार्मूला मैंने आपको बताया, ये जो क्वालिटी मैंने आपको अपने शॉर्ट में दिखाई थी, अपने वीडियो में दिखाई थी, अगर आप उस क्वालिटी का मटेरियल बनाना चाहते हैं तो फ्रेंड्स इस रेशो पे जाएं। अब इसकी कॉस्टिंग क्या आएगी, बहुत सारे लोगों को डाउट होता है कॉस्टिंग के बारे में, तो आपको बता देता हूँ। अभी अगर आप गोदरेज कंपनी का SLES लेते हैं तो 60-65 किराया भाड़ा मिला के 80 रुपीज़ हो गया, 24 रुपये का आपका ये हो गया, साइट्रिक एसिड 100 रुपये प्लस GST मतलब 120 रुपये, 8 रुपये का आपका लगभग साइट्रिक एसिड हो जाएगा फ्रेंड्स, 10-10 ग्राम ये सारी चीज़ें मिला के आपके 10 रुपये के अदर आइटम्स हो गए, मतलब आपका लगभग 42 रुपीज़ पर KG में आपका मटेरियल तैयार हो जाएगा। ये जगह जगह के कारण थोड़ा सा डिफरेंसेस आ सकते हैं, चाहे आपके यहाँ तक आने का किराया कितना लगता है और आपके यहाँ पर रेट अगर थोड़ा सा ज़्यादा है प्लस GST जो भी लगेगा, GST और भाड़ा आपका रॉ मटेरियल पर लगेगा ही फ्रेंड्स। अब अगर आपको इनमें से कुछ भी मटेरियल चाहिए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, आपको रॉ मटेरियल भी अवेलेबल कराएंगे, इस फार्मूले से आप बना के देख सकते हैं। तो दोस्तों बने रहें हमारे साथ, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को देखते रहें। 2 से 3 दिन बाद मैं आपको इसका पूरा मेकिंग प्रोसीजर बनाते हुए एक बड़ा बैच वो भी वीडियो डालूंगा, तो इंतजार कीजिए हमारे वीडियो का, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स अगला फॉर्मुलेशन मैं आपको देने वाला हूँ टैप क्लीनर, जो हमारी बाथरूम फिटिंग्स होती है, हमारे टैप्स होते हैं उसको क्लीन करने का बिल्कुल मैजिक, कि आप स्प्रे करो और विद इन सेकेंड्स आपके टैप सारे चमकने लग जाएं। तो फ्रेंड्स इंतजार करिए हमारे नेक्स्ट वीडियो का। थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद जय भारत।